अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बहुत ज़बरदस्त नाश्ता बनाने जा रहे हैं, बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है, अगर ग्राम में देखें तो 100 ग्राम ये मोज़रेला चीज़ थी, उसको हमने ग्रेट कर लिया। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टी स्पून नमक है, 2 अंडे हैं इनको हमने फेंट लिया, 1 कप मैदा है, अगर ग्राम में देखें तो 150 ग्राम हमारा ये मैदा है, 2 मीडियम साइज के हमने आलू लिए थे, उनको बॉयल करके उनको छिलका उतार लिया, उसके बाद हमने इनको मेस्ट कर लिया, 1 गिलास दूध है, 1 दरमियाने साइज की प्याज ली थी उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया, 1 दरमियाने साइज का टमाटर लिया था उसको छोटा छोटा कट कर लिया, 1 छोटे साइज की कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया, 2 से 3 हरी मिर्च ली है उनको छोटा छोटा कट कर लिया, 1/2 कप हरा धनिया है उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया, अंडे डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, दूध शामिल कर रहे हैं इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैदा शामिल कर रहे हैं, मैदा डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ये आप देख सकते हैं इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स किया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम शामिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार है, अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं और अब चमचे से भरकर इसको हम इस तरीके से डाल लेंगे और इसको फैला लेंगे। अब हमने इसको स्लो गैस पे पकाना है, जब एक साइड इसका हो जाएगा तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे। इसका एक साइड हो चुका है, इसको हमने स्लो गैस पे ही पकाया है क्योंकि अगर हम तेज़ गैस करेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा नीचे से और अच्छे से पकेगा नहीं, इसको हमने ऊपर तक से पकाना है। अब ये हो चुका है, इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये हमने साइड चेंज कर ली, अब थोड़ा सा हम किनारों पे ऑयल डाल लेंगे ताकि नीचे वाली साइड से भी इसमें अच्छे से ऑयल चले जाए। थोड़ा सा इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे। दूसरा साइड भी इसका हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा डाल लेंगे।
अब दूसरा भी हमारा अच्छे से हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे, ये तमाम तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ये ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है। इसको आप सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच के टाइम पे भी ले सकते हैं, या बच्चों को टिफिन के अंदर भी आप रख कर दे सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। आप इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।